टीम से ड्रॉप करने पर मोहम्मद हफीज मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी से नाराज। मोहम्मद हफीज ने तहफुजात से भरा खत चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को भिजवा दिया है। बात करेंगे बिलाल अकील से। बिलाल, इस खत में मजीद क्या लिखा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मोहम्मद हफीज को मुसलसल टीम से ड्रॉप किया जा रहा है और जिस तरह से फिटनेस कैंप भी लगाया गया, और अब देखा जा सके तो आज जो 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया एशिया कप के लिए, उसमें मोहम्मद हफीज का नाम नहीं शामिल किया। अब जिस पर इंजमामुल हक जो चीफ सिलेक्टर है कौमी क्रिकेट टीम के, जब उनसे ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि शान मसूद जो है उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बेहतर रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें टीम में मोहम्मद हफीज की जगह शामिल किया गया। लेकिन उन्होंने एक तरफ ग्रीन सिग्नल भी दिया कि अगर ये जो एशिया कप में खिलाड़ी जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आगे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी जो हैं वो उनकी लिस्ट में, जिनमें मोहम्मद हफीज भी शामिल हैं। जी ठीक है, शुक्रिया बिलाल अकील।